हेलो दोस्तों, अभी हम लोग एग्रीको में हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम सुंदर ही मोर का, पिकॉक का ये पंडाल तैयार है। और सामने जाएंगे तो जूम होता जाएगा। पूरी तरह से जूट से निर्मित पंडाल, बांस के द्वारा यह तैयार किया गया है। सीढ़ी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ भी झूला बच्चों के लिए लगाया गया है, अभी तैयार हो ही रहा है। और ये लाइट अभी जलना बाकी है। पूरी तरह से बांस का ये डिज़ाइन बनाया गया, बहुत सुंदर बांस के काट के। और देख सकते हैं पूरा बांस का ही ये डिज़ाइन है। आज लाइट का कमी है क्योंकि आज चतुर्थी का दिन है। दो दिन बाद यहाँ पे षष्ठी से बहुत ही भीड़ भड़ाका देखने को मिलेगा। एग्रीको का ये पंडाल काफ़ी सुंदर लग रहा है, मूर्ति देख सकते हैं थोड़ा। और इधर छोटा मूर्ति पूजा के लिए, और ये विसर्जन इसके बाद में होगा शायद। पूरी तरह से बांस से ही एकदम पूरा डिज़ाइन तैयार किया गया है। और ये एग्रीको का बाहर का नज़ारा, मौत का कुआं भी यहाँ पर लग चुका है। और ये झूला देख सकते हैं अभी तैयार हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के लिए झूला लाया गया है। काफ़ी सुंदर ये बांस से निर्मित, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। इधर भी देख सकते हैं बच्चों का ये ट्रेन, खिलौना भी लग ही रहा है यहाँ पे। और झूला झारखंड की संस्कृति को ये बांस के द्वारा दिखाया गया है। ये नगड़ा बजाते हुए देख सकते हैं, पूरी तरह से ये बांस से निर्मित कलाकृति। और इधर ढोल बजाते हुए देख सकते हैं ये ढोलक। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सूप का, ये इसे कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है या फिर घरेलू खाद्य पदार्थ या किसी भी चीज़ों को साफ करने के लिए इसका उपयोग होता है, सूप। ये एग्रीको का खूबसूरत पंडाल अभी ये बन ही रहा है, इसमें फिनिशिंग होना बाकी है। बहुत सारा लाइट भी लगने वाला है, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है ये पंडाल।